जब क्लास में आता है, जैसे ही वो क्लास में एंटर होता है तो वो देखता है कि ते फिर से नामजून से बात कर रही होती है। सब खड़े होकर गुड मॉर्निंग करते हैं। सिट डाउन ते। ते जंगकुक को देखकर खड़ी हो जाती है। यहाँ और सामने वाली सीट पर आकर बैठो। लेकिन सर मैं यहाँ हमेशा बैठती हूँ। लेकिन आज तुम यहाँ बैठोगी। यकीन नहीं हो रहा, ये सच में जालस होने लगे हैं। ते सामने वाली सीट पर आकर बैठ जाती है, जहाँ से वो जंगकुक को ऑल टाइम देख सकती है। सर क्या मैं भी वहाँ आकर बैठूं? नहीं, तुम जहाँ बैठे हो वही बैठी रहो। गुड जॉब नामजून। नामजून बेचारा इनोसेंट बॉय की तरह बैठ जाता है। जब क्लास चल रही होती है तो ते बोर हो जाती है, ना तो किसी से बात कर सकती है और ना ही किसी से कुछ कर सकती है। ते, ते, ते। जब ते उसकी आवाज नहीं सुनती तो जंग उसके सामने जाकर उसे देखता है, तो ते उसे देखती है। मैंने कुछ नहीं किया। मैं तुम्हें कब से आवाज दे जा रहा हूँ, क्या सोच रही हो तुम? सर वो सीक्रेट है, मैं आपको नहीं बता सकती। क्लास के बाद मेरे कैबिन में आना। जैसे ही ते कैबिन में आती है, सडनली डोर क्लोज हो जाता है। ते सरप्राइज हो जाती है और पीछे देखती है। आपने डोर क्लोज क्यों किया? जंगकुक ते के पास जाता है तो ते पीछे की तरफ जाती है, और ते तब तक और मूव नहीं हो सकती थी क्योंकि वो टेबल की सपोर्ट से खड़ी थी। जंगकुक अपने हाथ टेबल पे रखता है। सर आई थिंक यू नीड पनिशमेंट। क्या? मैंने तुमसे कहा था ना कि नामजून से बात मत करना, उसके पास मत बैठना, लेकिन फिर भी तुमने वही किया। बट दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस सर। गुप्ते की लिप्स को देखता है। तुम बहुत नॉटी होती जा रही हो, तुम जानती हो तुम्हारी पनिशमेंट। ते ब्लश करती है, जब गुप्ते के पास जाता है तो ते अपनी आंखें सडन स्लोली स्लोली बंद कर लेती है। ये लो, ये क्या है? मैं तुम्हारा अभी टेस्ट लूंगा। मैं जानता हूँ तुम्हारी अब कोई क्लास नहीं है, तो अब बैठ जाओ और इसे फिल करो। ते नंबर वन इनोसेंट गर्ल होती है, जो सोच रही थी कि जंगकुक उसे किस करेगा। लेकिन सर, या फिर तुम्हें और कोई पनिशमेंट चाहिए? मैं तुम्हें अपनी क्लास में खड़ा करके बोर्ड पे वो सब लिखवाऊंगा जो मैंने तुम्हें सिखाया है। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं करती हूँ। गुड। जब ते क्वेश्चन फिल करती है तो उसका फेस देखता है जंगकुक। ये सर हो गया। ते पेपर देकर बाहर जाती है, बट सडनली जंगकुक ते का शोल्डर अपनी तरफ करके टर्न करता है। कहाँ जा रही हो तुम? मैंने फिल कर दिया तो मैं जा रही हूँ। तुम जा सकती हो, लेकिन पेपर चेक हो जाने के बाद तुम बैठ जाओ। वो सब मेरे बिना कितने मजे कर रहे होंगे। ते अभी तक वापस क्यों नहीं आई? शायद वो कुछ कर रहे होंगे। तो फालतू का सोचना बंद करो। मैं तो कुछ नहीं सोच रही। ऐश, मैं जा रहा हूँ। क्यों? अपने कजिन को हॉस्पिटल में देखने जाना है मुझे। क्यों, क्या हुआ तुम्हारे कजिन को? सुबह उसका एक्सीडेंट हो गया था, साइकिल चलाते हुए वो खुद गिर गया था। मुझे शर्म आ रही है उसे अपना कजिन कहते हुए। मैं समझ सकती हूँ, मेरे पास भी एक यूजलेस कजिन है। ओके देन, बाय। उसके बाद नामजून चला जाता है। तुम्हारा हनी कब वापस आ रहा है? शुगाई में देख के जमीन को देखता है। कल सुबह मुझे एयरपोर्ट जाना है, बट अकेले मैं तुम्हें ले जाऊंगा। क्या तुम ठीक तो हो? क्या तुम कहीं गिर गए थे? और कहीं तुम्हारे शहर सिर पर चोट तो नहीं लग गई? मुझे भी ऐसा लगता है। तुम्हारा ड्रीम क्या है? आपसे शादी करना। मैं तुम्हारे करियर के बारे में पूछ रहा हूँ। ओह, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। रियली? क्या तुम पेशेंट्स को मारने की प्लानिंग कर रही हो? क्यों? तुमने 40 में से ओनली 10 क्वेश्चंस का आंसर दिया है और तुम डॉक्टर बनना चाहती हो। मुझे तुम्हारी मॉम से बात करनी है। मैं तुम्हारी मॉम से बात करना चाहता हूँ। मुझे उनका नंबर देना। नहीं, मैं नहीं दूंगी। ओके, मत दो। मेरे पास न्यू स्टूडेंट्स की फाइल है। ठीक है, देती हूँ। उसमें तो मेरे डैड का नंबर है, अगर उन्हें पता चल गया तो मैं तो मरूंगी, मार डालेंगे मुझे। ते मॉम का नंबर देकर फाइनली वहाँ से चली जाती है।
रास्ते के जाने के बाद जो उनको उस नंबर पे कॉल करता है। हेलो, मैं टेकअप प्रोफेसर बोल रहा हूँ, क्या मैं केकी मॉम से बात कर सकता हूँ? क्या क्या उसने दोबारा फिर से किसी को पीट दिया? नहीं, फिर वो पढ़ाई अच्छे से नहीं कर रही है क्या? सच में मुझे बताइए मैं क्या करूँ? आप उसे हर संडे मॉर्निंग में मेरे घर भेज देना, मैं उसे ट्यूशन दूंगा। ओह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। वैसे आपका नाम क्या है प्रोफेसर? मेरा नाम जीवन जोगमकुक है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये नाम मैंने पहले भी कहीं सुना है? ओके, तो मैं फोन रखता हूँ। ओके। जंकुक स्माइल करता है। तेरे को पता भी नहीं होता कि उसकी लाइफ में एक बिग चेंज आने वाली है। ते अपने उसी प्लेस पे आके बैठती है जहाँ पे वो उसके फ्रेंड्स मिलते हैं। कहाँ थे तुम? मेरे भाई ने जेंटली किया ना। लीजा क्वीन ऑफ ओवरथिंकिंग होती है। शुगर लीजा को देखता है। मैं गॉड से प्रे करूंगी कि तुम्हें हॉर्नी हस्बैंड मिले। उस जंकुक ने मेरा एग्जाम लिया था क्या? सही किया उन्होंने। वैसे एटलीस्ट तुम स्टडी अच्छे से तो करोगी। आई ऑल्सो अग्री। क्या तुम सब पिछले दिनों में मेरे दुश्मन थे? गॉड हमेशा हमारे लिए अच्छा नहीं करते। तेजी मिन की प्लेट में एक चिकन लेग पीस देखती है तो उसे उठाकर खाना स्टार्ट करती है। सही कहा तुमने, गॉड हमेशा हमारे लिए अच्छा नहीं करते। लीजा अपनी प्लेट को धीरे से दूर कर लेती है। ये मेरा लास्ट पीस था, तुमने इसे खा लिया। मुझे भूख लगी थी। गॉड जाने क्या होगा इनका लाइफ में। डोर स्लोली ओपन करती है और चारों तरफ देखती है लाइक ए थीफ। अगर जंकुक ने मॉम को कल कॉल कर दिया होगा तो मैं तो गई। रास्ता साफ है, मुझे भाग जाना चाहिए यहाँ से। ते बिना कोई आवाज किए वहाँ से तेजी से जाती है। माय स्वीट चाइल्ड। हाँ मॉम, क्या हुआ? तुम्हारे प्रोफेसर ने कॉल किया था और कहा कि ये स्वीट एक्सप्रेशन। गॉड मैं आ रही हूँ, मेरा वेट करना। उन्होंने कहा था कि तुमने अपने टेस्ट में बहुत बुरे मार्क्स लिए हैं। आप मुझसे चिल्लाएंगे नहीं? नहीं, क्योंकि मेरे पास एक आइडिया है। तुम हर संडे प्रोफेसर जंकुक के घर जाओगी, वो तुम्हें पढ़ाएंगे। क्या आपने पूछा था उनसे? नहीं, उन्होंने खुद कहा था। अब जाओ, फ्रेश हो जाओ और कल सुबह तुम्हें जाना है। उसके बाद ते अपने रूम में आ जाती है। यकीन नहीं हो रहा मुझे, ये सब क्या हो रहा है? हाय, भाई मत बोलो मुझे। कजन ये भी नहीं, सिस्टर। मुझे शर्म आ रही है कि तुम मेरे कजन हो। क्यों? खाली रोड पे साइकिल चलाने से खुद से कोई कैसे गिर सकता है यार? मुझे नींद आ गई थी। तभी वार्ड का डोर ओपन होता है और एक लड़की अंदर आती है। नामजिन उसे देखकर सरप्राइज हो जाता है। सिस्टर जिन? सडनली नामजिन की आवाज सुनकर जिन नामजिन को देखती है। नामजिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ना चाहते हुए भी ये इडियट मेरा कजिन है। ओह, और आप? मैं डॉक्टर हूँ। आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? भाई क्या आप रिलेशनशिप में हो? ये मेरी भाभी है। तुम्हें एक हफ्ता और हॉस्पिटल में रहना है क्या? नहीं, हम तो बस फ्रेंड्स हैं। ओह, ओके। गॉड, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मुझे एयरपोर्ट लेकर जा रहा है। उतरो, हम पहुंच गए। उसके बाद जिमिन दौड़कर एयरपोर्ट के अंदर जाती है। कौन है वो जो इतनी एक्साइटेड हो रही है? शुगा भी एयरपोर्ट के अंदर जाता है। जिमिन किसी को ढूंढती है। कहाँ है वो? उसने तुमसे झूठ बो। जिमिन हॉबी? जिमिन दौड़कर जाती है और उससे जंप करती है। वो उसे कैच कर लेता है और हग करता है। शुगा उन दोनों को देखकर जालिस हो जाता है। कैसी हो तुम? बहुत बड़ी हो गई हो। थैंक यू। शुगा वहीं खड़े होकर उनके स्वीट सीन देखकर इरिटेट हो जाता है उसे, तो वो उनके पास जाता है। ये कौन है? मेरा बॉयफ्रेंड। शुगा जिमिन को अपने क्लोज कर लेता है। बॉयफ्रेंड? मेरे कान ठीक तो है ना? मुझे हॉस्पिटल तो नहीं जाना पड़ेगा? बट तुमने तो कहा था। डोंट माइंड हिम,
ये साइको है, ये मेरा फ्रेंड है जो हमेशा मुझसे लड़ता रहता है। जिमी शुगा को देखती है, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, टेकिंग रिवेंज। चलो चलते हैं, यह सारा टाइम यही रहना है, लेट्स गो। जिमी ने हॉबी का हाथ पकड़ लेती है और शुगा को इग्नोर कर देती है। इसे तो मैं बाद में देखूंगा। बेचारे तेरियन जिसे सुबह सुबह अपने ही घर से अपनी ही मॉम ने किक मार करके बाहर निकाल दिया था। आप मेरी मॉम नहीं हो, अब अपने प्रोफेसर के घर जाओ। कम से कम मुझे कुछ खाने तो दीजिए, खरीद कर खा लेना, बाय। और हाँ, कहीं और मत जाना, नहीं तो तुम अपनी ब्यूटीफुल मॉम को जानती हो ना कि क्या करेगी। देखिए मॉम उसके मुंह पे दरवाजा बंद कर देती है। सच में ये मेरी मॉम है ही नहीं, नर्स ने मुझे इनके बच्चे से बदल दिया होगा। तेज जग्गो के घर पहुंचकर बेल रिंग करती है। बिंगो बिंगो। ओके आर्मी, आज के लिए सिर्फ इतना ही। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा मुझे ये जरूर बताना। ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। बहुत गर्मी हो रही है, सो बी केयरफुल। लव यू ऑल, बाय।